3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज़। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यह कैसी व्यवस्था, प्रैक्टिकल को लेकर छात्र दर दर भटकने को मजबूर। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से प्रैक्टिकल देने पहुंचे छात्र, प्रैक्टिकल बोर्ड छात्रों को नहीं दे रहा सही जानकारी। बोर्ड प्रशासन ने जारी की प्रैक्टिकल की तारीख और अब बोर्ड ही कर रहा है छात्रों को गुमराह। मेरा नाम वर्षा शर्मा है, मैं आई हूँ मनोरपुर से आई हूँ। मेरी एग्जाम नहीं लग रही, मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे की बैठी हूँ। अब तक है ना, वहाँ पर जिनमें बोर्ड का नाम आया उनका ही लिया जा रहा है और हमें बोल दिया कि बोर्ड ऑफिस जाओ, तो यहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा और ऐसे बोल रहे हैं। हमें लॉकडाउन कैसे जैसे करके आए हैं, हमें साधन भी नहीं मिले, फिर भी हम आए हैं, फिर हमें ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम नहीं लगेगी, ऐसे बोल रहे हैं। बोल नहीं लगेगी बस। आपका नाम? वर्षा शर्मा। बताइए, किस लिए आया है? हाँ, मेरा नाम महेंद्र प्रताप है और मैं यहाँ से बोर्ड के थ्रू जो लेटर भेजा गया था कि आपका प्रैक्टिकल 11 तारीख को होगा सुबह 9 बजे से, तो हम जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे इन्होंने पहले तो हमारा जहाँ पे एड्रेस दे रखा था सावित्री गर्ल्स स्कूल, उसमें प्रैक्टिकल था, तो उन्होंने जिनका लिस्ट में नाम था उनका ही इनको अलाउ किया अंदर और हमसे कहा कि आप बोर्ड ऑफिस जाइए। हम यहाँ पे जब आए तो इन्होंने कहा आज छुट्टी है, तो फिर कुछ देर बाद में इन्होंने आगे बात की, बात करने के बाद में थोड़ी देर बोला कि 10:30 बजे तक कर्मचारी यहाँ पे आएंगे। तो सर यहाँ पे आने के बाद में फिर ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, ये बोल रहे हैं कि अब छुट्टी है 2 दिन की, 2 दिन बाद में आना। अब सर दूर दूर से आए हैं तो ये बार बार इतना कोई, अभी लॉकडाउन चल रहा है वैसे ही, साधन की प्रॉब्लम है, महामारी चल रही है बीमारी की, तो सर परेशानी होगी। हाँ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ सर। महेंद्र प्रताप नाम है सर मेरा। आप यहाँ पे क्या समझते हैं? यहाँ प्रैक्टिकल देने आए हैं हम। वो बोला था ना इन्होंने पेपर में काटा था कि भाई आपका प्रैक्टिकल होएगा 11 तारीख को, तो हम आए भी गए कैसे तैसे करके, आ भी गए, पर फिर इन्होंने तो लिया ही नहीं, बोल रहे कि नहीं होगा आपका प्रैक्टिकल। कहाँ से आए आप? मैं सवाई माधोपुर से आई हूँ। कौन सी स्कूल में आए थे आप एग्जाम? यहाँ सीतापुर आए थे ना, यह सावित्री। एबीवीपी के छात्रों ने आज स्वामी विवेकानंद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कच्ची बस्तियों में जाकर मास्क, सैनिटाइजर और साबुन जैसी सामग्री का वितरण किया। साबुन से हाथ धोने के लिए और मास्क मुंह पर लगाने के लिए कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया और सामग्री वितरण की गई और विवेकानंद के मार्ग पर चलने के लिए संदेश दिया और एबीवीपी ने स्वामी विवेकानंद स्थापना दिवस मनाया। महानगर द्वारा एबीवीपी के पुत्र स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने स्वदेशी व्याकरण मंच के अभियान के तहत थे, एक तो हमने जो दुकानदारों को उनको पत्रक बांटे स्वदेशी अपनाने को लेकर, चाइनीज सामान के बहिष्कार को लेकर एक तो पत्रक बांटे, दूसरा जो हमारा कार्यक्रम था आज जो गरीब बच्चे कच्ची बस्ती के जो बच्चे हैं उनको हमने सैनिटाइजर वितरित किया और एक साबुन भी वितरित की उसके साथ में और एक मास्क है। सब हमने कच्ची बस्ती में जा जाकर हम जो ठेले वाले नहीं लगा के उनको उनसे निवेदन कर रहे हैं और हम उनको मास्क, सैनिटाइजर और ये सब वितरित कर रहे हैं और हम ये आमजन में सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप कोरोना का संकट में अपने घरों में रहे, जितना उसके आवश्यक अनावश्यक अनावश्यक काम से बाहर नहीं निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। और एबीवीपी के इस स्थापना दिवस के माध्यम से हमारा एक उद्देश्य है कि हमें विवेकानंद जी के आदेश पर मार्गदर्शन मार्ग पर चलना चाहिए और एबीवीपी हमेशा छात्र आंदोलन करती आई है, हमेशा छात्र हितों के पक्ष में करती आई है और आज तक आप कभी भी देख लो एबीवीपी ज़्यादा हमेशा से ज़्यादा छात्रों की बात उठाती है और आज हम शहर के स्थान कच्ची बस्ती उद्देश्य स्थानों में एबीवीपी मास्क बांटेगी और हमारा पूरा जो हजार मास्क किट जिसमें एक साबुन, सैनिटाइजर। नए नियमों की जानकारी दे रही है अजमेर ट्रैफिक पुलिस शहरवासियों को। गांधी भवन पर कार्यालय पुलिस निरीक्षक यातायात शाखा अजमेर ने नए नियमों की बांटी गई पैम्पलेट और समझाइश कर नए नियमों के बारे में बताया। नई गाइडलाइन के हिसाब से अब होंगे चालान और लोगों को काली फिल्म हटाने के दिए निर्देश और हेलमेट लगाने जैसे संदेश दिए और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाई जाए।
नहीं तो अब होगा महंगा चालान। गांधी भवन चौराहे पर कार्रवाई को दिया गया अंजाम। अभी जो आप लोगों को पता है कि 8 जुलाई बुधवार को शाम से राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कुछ संशोधन करके इस अध्यादेश को जारी कर दिया है। इसी के तहत आज तक हम समझाइश कर रहे हैं। श्रीमान एसपी साहब का है कि 2-3 दिन तक इनको समझाइश की जाए और कल संडे से इसके चालान हम काटना शुरू कर देंगे। समझाइश के तहत लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से जुर्माना राशि है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आप अगर इन नियमों का पालना नहीं करेंगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। इसीलिए लोगों को रोक रोक करके हम अभी समझाइश कर रहे हैं। हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना कितना है, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर है, नो पार्किंग रखने पर क्या जुर्माना है, रेड बत्ती क्रॉस करने पर क्या जुर्माना है, मोबाइल पर बात करने पर क्या जुर्माना है। हर तरह की राशि में बढ़ोतरी हो गई है, आमजन को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही हमारे जब चालान की कार्रवाई होगी तब सभी कर्मचारियों को हमने ये बताया गया है कि आप अपने मोबाइल के अंदर या आप हार्ड कॉपी रखिए। पब्लिक को अगर पता न हो तो उनको पता मतलब करवाइए कि किस तरह से जो जुर्माना राशि है वो बढ़ा दी गई है और आप इनका पालन करें अन्यथा आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। जैसे जनरल जो हम अगर 5-6 चीज़ें जो अमूमन लोगों को अपन हम जो चालान काटते हैं जिसमें सबसे पहले आता है हेलमेट। हेलमेट का 100 रुपये की जगह जुर्माना राशि वो बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया गया है। सीट बेल्ट है 100 रुपये की जगह बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। मोबाइल पे जो बात करते हैं वो आपके 1,000 रुपये कर दिया गया है। और आप कहीं भी अगर नो पार्किंग में करते 2-व्हीलर के लिए 100 रुपये है और 4-व्हीलर के 200 रुपये है। और अगर हम क्रेन से उठवाते हैं तो 200+400 600 रुपये इनकी जुर्माना राशि लगेगी। लाल बत्ती क्रॉस करते हैं तो आपको 500 जुर्माना राशि लगेगी। इस तरह से कई जुर्माना राशि कई गुना, नो एंट्री में वाहन है तो 20,000 का जुर्माना है जो सर्वाधिक जुर्माना है। और शराब पी करके अगर वाहन चलाते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना राशि लगेगी। इस तरह से कई मतलब 10 गुना कई में 5 गुना। इस तरह विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर द्वारा आज अजमेर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हरकत पर सख्त कार्रवाई हो। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि 7 जुलाई 2020 को देर रात्रि दादर मुंबई स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक राजगृह संग्रहालय पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिससे संपूर्ण समाज में काफी आक्रोश है और विश्व हिंदू परिषद इस घटना पर निंदा करता है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अंबेडकर संग्रहालय में जो असामाजिक तत्वों द्वारा हरकत की गई है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का राष्ट्रीय संग्रहालय दादर मुंबई में स्थित है, जो कि संपूर्ण देशवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, तीर्थ के समान है। उस दादर स्थित डॉक्टर भीमराव जी के संग्रहालय पर 7 जुलाई को मध्य रात्रि में कुछ असामाजिक आतंकी तत्वों द्वारा उस पर तोड़फोड़ की गई और वहां पर क्षति पहुंचाई गई। वह संग्रहालय बाबा साहब द्वारा लिखित समस्त लेखों का एक बहुत बड़ा एक केंद्र है और आज तक जो वो आतंकी है जो तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्व है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है कि उन असामाजिक तत्वों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाकर और उनको दंडित किया जाए। इसके लिए देशव्यापी ये विश्व हिंदू परिषद का अभियान है जिसके तहत आज हमने अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शशि प्रकाश, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। राजपूत समाज की ओर से कुंदनगर छात्रावास में बैठक की गई। प्रताप नगर विकास समिति के कई अधिकारी इकट्ठा हुए और राजपूतों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। राजपूत समाज की संस्थाओं द्वारा सीबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है कि किताबों में महाराणा प्रताप के अध्ययन को पुस्तकों से हटा दिया गया है। वह राजपूतों पर हो रहे अत्याचारों पर विरोध किया गया। आज लॉकडाउन के चलते जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हालात हैं उसके क्रम में अजमेर में कार्यरत सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी की आवश्यक मीटिंग बुलाई गई और उसमें विशेष तौर पर जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उसमें सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि हिंदुआ सूरज जो महाराणा प्रताप है प्रातस्मरणीय है, उन महाराणा प्रताप को उनकी वीरगाथा को कोर से हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है। यदि ऐसे महापुरुष जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं यदि उनको बच्चों को नई पीढ़ी को पढ़ाने से ही
दूर कर देंगे तो फिर ये है कि कहाँ तो वीरता आएगी, कहाँ हम आज ये कह रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पर जो जो भी शत्रु राष्ट्र हैं उनको हम जवाब दे पाएंगे। ये संभव तभी है जब हम हमारी नई पीढ़ी में वीरता, ओज और शक्ति का संचरण करेंगे, और वो संचरण तभी होगा जब ऐसे महापुरुषों को हम हमारी कोर्स में शामिल करेंगे। दूसरा ये है जो अभी राजपूत समाज के जो 24 लोग हैं सीबीआई ने चालान किया है, उसमें यह है कि जिनका भी चालान किया गया है उसमें निश्चित रूप से यह है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका वहाँ उपस्थित भी नहीं थे, उनका कोई रोल भी नहीं रहा है। इसलिए यह है कि इस मामले में निष्पक्ष, ईमानदारीपूर्ण और पारदर्शितापूर्ण जो है अनुसंधान करके और इसमें न्याय संगत तथ्य शामिल कर। आनंद पाल प्रकरण में जो है वो लोग एकत्रित हुए थे, उसमें बहुत सारे लोग बाग तो ये है कि उन्होंने जो है उग्र भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जैसा अखबारों के माध्यम से पता चला, और कुछ लोग हैं जो मौके पर उपस्थित भी नहीं थे। इसलिए ये समाज में ये बात आ रही है कि जो वहाँ उपस्थिति नहीं था उन लोगों को भी शामिल किया गया, तो निश्चित रूप से इसमें भी न्याय की अपेक्षा की जाती है। और सरकार जो है समाज को केवल और केवल इस बात ये नहीं देखे कि ये समाज जो है ये किसी ज़माने में जो है अपना प्रभुत्व दिखा चुका है लेकिन अब आज गौण है, इस तरह की अवधारणा जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं भवानी सिंह शेखावत, क्षत्रिय प्रतिभा विकास संस्थान का अध्यक्ष, आज अजमेर में हमारे जितनी भी राजपूतों की क्षत्रियों की संस्थाएं हैं उनके सबके अध्यक्ष और पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं और भारी रोष है। रोष इस बात का है कि सीबीआई ने जिस तरह से राजपूतों को, सारे राजपूतों की क्षत्रिय समाज की जितनी भी संस्थाएं थे उनके सबको आदमियों को फंसाया है, जबकि वो लोग वहाँ गए ही नहीं। उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेट दिया है कि सीबीआई जांच कराई जाए, उन लोगों का भी नाम दिया है। इस तरह से राजपूतों पर अत्याचार नहीं किए जा सकते। क्षत्रिय समाज नियमों से उनसे चलने का आदि है, क्षत्रिय समाज को इतना आंदोलन करने के लिए उकसाया नहीं जाए। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, राज्य सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज जिस अब यूनाइट हो गया है, अब क्षत्रिय समाज जिस रोज उग्र होगा, दहाड़ मारेगा, उसकी दहाड़ से कोई आमने सामने नहीं चिढ़ पाएगा। तो इसलिए क्षत्रिय समाज को प्रोटेक्शन दें, अन्याय नहीं करें। क्षत्रिय समाज कभी अन्याय नहीं करता, न्यायप्रिय आदमी, नियमों चलने वाला है। दूसरा, महाराणा प्रताप जिनको पूरा विश्व मानता है, आज तक सारी हिस्ट्री में सब कुछ है, उनको कोर्ट से हटा दिया गया। उनको हटाने वालों को मैं पूछता हूँ, तुम्हारे जागीरदारों ने, बुजुर्गों ने, समाज वालों ने क्या किया है जिसने महाराणा प्रताप को आपने नाम से हटा दिया? इसलिए हम विरोध करते हैं कि उनका पूरा का पूरा उल्टा, उससे अधिक उनको लेकर के उनको गौरवान्वित किया जाना चाहिए, जिसकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, जिसको पूरा विश्व मानता है। आज हमारे यहाँ राजपूत समाज के जो कुंदनगर छात्रावास में यहाँ पर बैठक हुई है, यहाँ पे विभिन्न संस्थाएँ जो हमारे समाज की है, उसमें से एक हमारे जो प्रतापनगर विकास समिति है और उसी वार्ड से मैं पार्षद हूँ, तो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो एक राजपूतों के ऊपर एक गैर नाजायज रूप से जो दबाव बनाया जा रहा है सीबीआई का भय करके, और उन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं कि जैसे लोकेंद्र सिंह कालवी है या और जो मतलब कोई भी उनमें है बड़े, जो महावीर सिंह जी हैं या अपने जो दुर्ग सिंह जी चौहान साहब हैं, जो ये ऐसे लोग हैं कि ये मतलब जब समाज को लीड करते हैं और समाज कोई अवांछनीय गतिविधि या कोई उग्र रूप धारण करता है तो यही समाज को कंट्रोल करके उनको जो एक अपने जो संवैधानिक तरीके से जो भी प्रोटेस्ट करना होता है उसके लिए आग्रह करते हैं। दूसरा, अभी वर्तमान में रोज अखबारों में न्यूज आ रही है कि आज महाराणा प्रताप का ये अंश हटाया, आज उस पुस्तक में से ये अंश हटाया, या एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर जबरदस्ती उंगली उठाई जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना 1925 में हुई, क्या महाराणा प्रताप 1925 में पैदा हुए थे जो संघ ने एजेंडा लगा दिया? ये किस तरह की मूर्खपणे की बातें कर रहे हैं? महाराणा प्रताप पूरे विश्व में जाने जाते हैं और उनको प्रत्येक जो भी समुदाय है 36 कौम है वो उनको अपना आदर्श मानती है। अगर महाराणा प्रताप को अगर इसी तरीके से ये जो वर्तमान सरकार और ये शिक्षा मंत्री बुद्धिहीन होके जो ये कार्य कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह का कार्य करे जाएंगे तो निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठे। NSUI कार्यकर्ता द्वारा कॉलेज छात्रों को प्रमोट करने वे UGC की गाइडलाइन का विरोध किया। आज अजमेर में छात्र संघ NSUI ने MDS यूनिवर्सिटी के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब कोरोना काल में सरकार सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बात कहकर
अपने आप को बचाने की बात कर रही है। और वहीं दूसरी ओर यूजीसी गाइडलाइन जारी करते हुए छात्रों की परीक्षा करवाने के पक्ष में है। छात्रों ने मांग करते हुए यूनिवर्सिटी कुलपति को ज्ञापन सौंपा। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ते दिखाई दी और मास्क ना पहनकर नियमों का उल्लंघन किया गया। किस तरह की मांग लेकर आज? देखो, पूरे देश के अंदर NSCI की एक ही मांग है कि छात्र वर्ग को लेकर, अगर पूरे देश के अंदर एक ही एक ऐसी विचारधारा है जिसने इस महामारी के दौरान छात्र वर्ग की जो आवाज़ उठाई, छात्र वर्ग की कोई भी समस्याएं आई तो उसको लेकर उसके साथ खड़े रहे। उस दौरान अनेक NSCI के साथी इस कोरोना महामारी से हमारे दूसरे स्टेट के अध्यक्ष पॉजिटिव भी हुए, फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। और इस लड़ाई को देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने देश की बिना परीक्षा प्रमोट का निर्णय छात्रों के पक्ष में लिया, लेकिन UGC के और केंद्र सरकार की जो नीति आई, UGC की जो गाइडलाइन आई, छात्र विरोधी गाइडलाइन अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम को लेकर, और उसमें उन्होंने ये हवाला दिया कि अंतिम वर्ष एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे तो उस छात्र का भविष्य खराब हो सकता है। NSCI ने ये मांग की थी कि पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर, पिछले ईयर के अंकों के आधार पर उसको अंतिम वर्ष में 5% ज़्यादा अंक देकर उसको पास किया जाए। तो इस मांग को लेकर जो छात्र की जायज़ मांग थी उसके साथ छात्र विरोधी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने निकाली है, उसके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। पिछले 6 दिनों से NSCI पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। उसी प्रकार राजस्थान में प्रदर्शन 2 दिन पहले भी हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला, जो कि देश के अंदर प्रथम नंबर पर चल रहा है। और अब आज दोबारा हमारे राजस्थान के प्रभारी गुरजोत संधु जी को राजस्थान में आए तो उस समय अजमेर विश्वविद्यालय में भी ज्ञापन का राज्यपाल जी के नाम कार्यक्रम रखा गया और विरोध प्रदर्शन कर दर्ज करवाए गए UGC को कि छात्रों की मांग को आपको वापस लेना होगा, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम की स्थिति देश के अंदर नहीं है। देश कोरोना के नंबर 3rd स्थान पर है और आने वाले समय में प्रथम की कगार पर है। राजस्थान के अंदर 700 केस आ रहे हैं, देश के अंदर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा छात्रों का? केंद्र सरकार क्या छात्रों की जिम्मेदारी लेती है उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की? तो उसके विरोध में NSCI का लगातार विरोध जारी रहेगा। तब तक UGC ये फैसला वापस नहीं लेती, केंद्र सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती, NSCI का साथी इसकी लड़ाई छात्र हित में लड़ाई लड़ता रहेगा। आपको नहीं लगता प्रदर्शन के दौरान आप खुद जो है कोरोना की गाइडलाइन का? देखो, निश्चित रूप से इसलिए हमें खेद भी है कि सोशल डिस्टेंस का पालन संख्या ज़्यादा होने के कारण नहीं हो पा रहा। इतनी बड़ी संख्या में हमने नहीं बोला था कि आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, प्रभारी जी आए थे तो तमाम जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया, इसका हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारी ये छात्र हित को लेकर लड़ाई ये जारी रहेगी, चाहे किसी भी प्रकार से हमें जाना पड़े। पहले भी हमारे साथियों ने भूख हड़ताल की है, धरना दिया है, पैदल मार्च के लिए तैयार हुए हैं, तो ये जो छात्र हित में जो कार्य इस समय कर रही है वो एक छात्र इकाई मात्र NSCI है और ये लड़ाई हम UGC के खिलाफ जारी रखेंगे। थैंक यू। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ यही है, अभी कोरोना की महामारी के कारण हमारा देश विश्व भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और करीब 7 लाख से ज़्यादा हमारे देश में केस आ चुके हैं अभी तक कोरोना पॉजिटिव के। और डेली कल की अगर बात करें, कल के आंकड़े की बात करें, 27,000 पेशेंट कल के दिन में क्रॉस करा। और इस स्थिति में अगर सरकार ने ये निर्णय लिया, अभी फाइनल ईयर वर्ग के छात्रों के एग्ज़ाम करवाने की बात रखी है, एक बहुत ही शर्मनाक डिसीजन उनके द्वारा लिया गया। ये मैं समझता हूँ डिसीजन सरकार के द्वारा लिया नहीं गया, जो हमारी मांगे थी, जिस जिस राज्य में हमारी सरकार थी, चाहे वो पंजाब हो, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, उधर भी एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात रखी गई, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार में भी अशोक गहलोत जी द्वारा, पायलट साहब द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ये फैसला लिया गया छात्रों को प्रमोट करने का। लेकिन कहीं ना कहीं RSS और अपना ABBB के दबाव के नीचे आकर UGC के ऊपर प्रेशर डाला गया, एग्ज़ाम करवाने की बात रखी गई। हर जगह पे उन्होंने अपने पक्ष की बात रखी है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के पक्ष की बात करते हैं, स्टूडेंट्स वेलफेयर की बात करते हैं। Day 1 से हमारी यही लड़ाई है कि स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, जब से हमारे देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना की महामारी को लेकर।
आज की स्थिति ये है, अभी देश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हमारे देश को, हिंदुस्तान को यंगिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि 50% इधर जो अपने यंगस्टर की वोट है, और अगर अपने नौजवान साथियों को, छात्र वर्ग को इस मुसीबत में धकेल देंगे, एक बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले समय में हमारे देश पर आ सकती है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो भी हमें करना पड़े, हम सड़कों पर भी आएंगे, हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जो डिसीज़न UGC की गाइडलाइन के थ्रू लिया गया वो उस चीज़ को विड्रॉ नहीं करती, उस डिसीज़न को रद्द नहीं करती। और इसके साथ साथ मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ, बिस इकोनॉमिकली क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में आ चुका है, छात्र वर्ग का एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लास्ट सेमेस्टर की उनकी फ़ीस, 6 मंथ की फ़ीस उनकी माफ़ की जाए टोटली, और उनका रूम रेंट, जो उनका रूम का किराया वो भी बिल्कुल माफ़ किया जाए, ताकि जो एक छात्र को भी लगे, एक बड़ी राहत सरकार के द्वारा उनको दी गई है, एक बड़ी सहूलत उनको सरकार के द्वारा दी गई है। और मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, UGC से हम यही दोबारा अपील करते हैं, हमारी मांग को स्वीकार कर हर छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। लास्ट उनके 5 सेमेस्टर की परफॉर्मेंस चेक करते हुए, उनकी इंटरनल असेसमेंट चेक करते हुए +10। आज अजमेर में कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत, वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिव मरीज 65 वर्षीय पुरुष निवासी मेड़ता के थे, जिनकी आज उपचार के दौरान मौत हो गई। कोरोना के बारे में जहां तक बात है, कुछ मिक्स ही खबर है। अच्छी खबर ये है कि आज ज़्यादा पेशेंट हमारे पास नहीं आए हैं JLN मेडिकल कॉलेज में। 3 पेशेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएंगे क्या, 2 तो आ गए, एक और एक्सपेक्टेड है। एक पेशेंट राजसमंद जिला निवासी, भीम निवासी एक महिला, जो कि यूरोलॉजी ऑपरेशन कराने आई थी, यूरोलॉजी संबंधित, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक पेशेंट नसीराबाद निवासी है और एक पेशेंट अजय नगर निवासी है। कुल मिला के 3 नए पॉजिटिव पेशेंट अभी तक की स्थिति में हमारे पास में हैं। और जो पेशेंट 27 पेशेंट हमारे पास कोरोना पॉजिटिव वार्ड में हैं, उनसे 27 में से हमने 6 मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भेजा है। एक पेशेंट को होम आइसोलेट किया है और एक पेशेंट के 2 सैंपल नेगेटिव, यानी कि कोरोना मुक्त होने के बाद, लेकिन उनको अस्पताल में रखना आवश्यक था तो उनको हमने मेडिकल ICU में शिफ्ट किया है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में काफ़ी संख्या में पेशेंट हैं, और अभी भी हमारे पास जो कोरोना पॉजिटिव वार्ड है उसमें 5 पेशेंट हमारे बाईपैप पर हैं और 6 पेशेंट हमारे ऑक्सीजन पर हैं। सस्पेक्ट वार्ड में भी हमारे 2 पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं और 2 पेशेंट बाईपैप पर हैं, तो थोड़ी गंभीरता तो है। अनफॉर्चुनेटली आज एक हमारे कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ दिया। ये सज्जन मेड़ता निवासी थे, 9 तारीख को हमारे यहाँ भर्ती हुए थे, 10 तारीख को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और जब से ये भर्ती हुए थे तभी से बाईपैप मशीन पर चल रहे थे, और बाईपैप मशीन के बाद भी इनके जब ऑक्सीजन सेचुएशन मेंटेन नहीं हुआ तो हमने इनको वेंटिलेटर पर लिया। सारी कोशिशों के बावजूद भी इनको बचाया नहीं जा सका, और सुबह लगभग 10:45 बजे के आसपास उनका देहावसान हो गया। इनकी भी डायबिटीज़ बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल में से बाहर थी, तो इंसुलिन देने के बाद भी कंट्रोल नहीं आ रही थी, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, और टर्मिनल स्टेज पे इनकी किडनी भी ख़राब हो गई थी, ऐसा रिपोर्टों में आया है। जहाँ तक और दूसरी बातों की बात है, मैं आपके माध्यम से दोबारा लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी में परिवार के परिवार इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, रेगुलर मास्क का प्रयोग करें, इस बीमारी को कतई हल्के में न लें। ये बीमारी इन्फेक्ट ज़बरदस्त कर रही है, नुकसान कम हो रहा है ये बात सच है, लेकिन इन्फेक्ट ज़बरदस्त कर रही है। उन लोगों को जिनको तकलीफ़ होगी उनको तकलीफ़ फिर ज़बरदस्त हो सकती है, हमें पता नहीं कौन मरीज तकलीफ़ में जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो इन दोनों बातों का नियमित रूप से ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क का प्रयोग लगातार सही तरीके से करें। अजमेर ग्राम बोराज राणा का तालाब, ग्राम पंचायत में कई सालों से सड़कें व नाली कार्य नहीं हुआ है। नाली व सड़कें न होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा, सड़कें टूटी हुई है, नालियां भी टूटी हुई है, सरपंच और वार्ड मेंबर द्वारा कोई सुनवाई भी नहीं की जाती। ना ही तो सड़कें है, ना ही नाली है, बारिश के दिनों में पानी भरता है, पानी घरों के अंदर तक जाता है, हमारे बच्चे हम बहुत परेशान हैं, और पानी के अंदर सांप गोयरे ऐसे निकलते हैं। तो हम कितने सालों से काम ये हमारे कई सालों से हम काम बंद ही है, ना ही तो हमारे कोई वार्ड मेंबर सुनाई करता है, ना ही हमारे सरपंच सुनाई करता, यानी हम किसी के पास जावे तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सावित्री देवी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।